वीडियो में आप नियाजीपुर में संपन्न हुए हॉर्स रेस सेमीफाइनल राउंड 3 की वीडियो देख रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से झंडी के गिरते ही सभी घोड़े आगे की तरफ दौड़ पड़े कि कौन सबसे पहले आगे निकल जाए। सवार गोरख को आप देख रहे हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर बक्सर के घोड़े के साथ सवार शैलेश यादव चल रहे हैं। तीसरे स्थान पर पटना का घोड़ा चल रहा है। आपको बता दूं कि नियाजीपुर की रेस प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 30 अक्टूबर को रखी गई। ये जयनाथ महर्षि उपमन्यु उच्च विद्यालय नियाजीपुर में होती है प्रत्येक वर्ष, और इस रेस के संचालक करता रहते हैं परशुराम जी पाठक। कई वर्षों से रेस हो रही है। एक चक्र की समाप्ति के बाद आप फिर से देख रहे हैं कि सवार गोरख अभी सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर सवार शैलेश हैं। 12 नंबर बैच का घोड़ा तीसरे स्थान के लिए लगातार प्रयासरत दिख रहा है। प्रत्येक सेमीफाइनल राउंड 5 चक्करों का कराया गया, जिसमें से अभी आप दूसरा चक्कर देख रहे हैं। इस रेस में खास तौर पे जो लड़ाई बनी रही वो सवार गोरख एक अच्छी खासी लीड के साथ चल रहे थे। पीछे से संघर्ष करते हुए बक्सर के घोड़े के साथ सवार शैलेश यादव भी अपना पूरा दम दिखाते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। दो चक्र की समाप्ति के बाद आप देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी अभी भी लीड प्रत्येक घोड़ों में बनी हुई है। 12 नंबर का वाला बैच का भी घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और प्रयासरत है कि कैसे वो दूसरा स्थान इस रेस में हासिल करे। इसी तरह ये रेस आगे बढ़ती रही और एक शानदार रेस का आयोजन नियाजीपुर की कमेटी की तरफ से कराया गया। 3 चक्रों का सेमीफाइनल रखा गया। प्रत्येक चक्र में 8-8 घोड़ों को रखा गया। एक छोटी रेस उन घोड़ों के लिए भी कराई गई जो नाकंद वहां पर पहुंचे थे, उसकी भी वीडियो आपको जल्द मिलेगी। नियाजीपुर की कमेटी और वहां पर हुई चेतक प्रतियोगिता के बारे में आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। काफी सारे दर्शकों का कहना है कि काफी एक लंबे वक्त के बाद वीडियो और आवाज दोनों सुनने के लिए मिली, उसके हम शुक्रगुजार हैं कि आप इंडियन हॉर्सेस पे अपना प्यार यूं ही बनाए रहे और देखते रहे। वक्त है धीरे धीरे जब रेसेस शुरू होंगी तो हर प्रकार की वीडियो आपके सामने जरूर आएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं सवार शैलेश और रामजी ठाकुर के बीच थोड़ी सी लड़ाई लास्ट के चक्करों में दिखती हुई जरूर नजर आई, पर सवार शैलेश धीरे धीरे उन संघर्षों को पार करते हुए इस रेस के सेमीफाइनल राउंड 3 में दूसरा स्थान प्राप्त किया। आपको बता दूं कि इसमें पहला स्थान रहा सवार गोरख का और दूसरा स्थान अजय सिंह साथ बक्सर बिहार के घोड़े से सवार शैलेश यादव का रहा। हमें जरूर लिखें कि आपको प्रतियोगिता कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।